कहानी है, एक ब्राह्मण परिवार की कहानी है। एक ब्राह्मण की कहानी मैं आपसे साझा करना चाह रहा हूँ। एक ब्राह्मण था, वो अपने शिष्यों के साथ कुटिया में रहा करता था। एक बार एक दिन वो स्नान करने नदी पे गया और देखा कि एक बिच्छी वो नदी में डूब रही थी। ब्राह्मण को लगा कि इसको बचाना चाहिए और उन्होंने उस बिच्छिका को बचाने की कोशिश की। उस बिच्छिका को उन्होंने पानी से अपने हाथों से उठा कर निकालने की कोशिश करने लगे और वो हाथ लगाते और वो बिच्छू उनको डंक मारती, लेकिन वो हाथ हटा के फिर से निकालने की कोशिश करते और फिर वो बिच्छी उसको डंक मारती और वो फिर निकालने की कोशिश करते, फिर डंक मारती, फिर निकालने की कोशिश करते। अपने गुरु का यह बर्ताव देखकर एक शिष्य उनसे बोला उठकर बोला कि गुरुदेव, वो बिच्छी को क्यों बचा रहे हो जो आपको काट रही है, आपको बार बार डंक मार रही है, आप उसको बचा रहे हो और वो देखो वो आपको डंक मार रही है। तो ब्राह्मण ने कहा कि वो तो अपना कर्तव्य कर रही है, उसका काम है डंक मारना, तो क्या वो अपने काम को इतनी ईमानदारी से कर रही है तो क्या मैं अपने काम को ना करूँ। अगर वो डंक मारना नहीं छोड़ सकती तो क्या मैं ब्राह्मणत्व को यानी अपने धर्म को चाहे हिंदू मुस्लिम कोई भी धर्म, इस धर्म को छोड़ दूँ। आपके धर्म में सिखाया गया है दूसरों की जान बचाना, क्या मैं इस धर्म को छोड़ दूँ। बहुत बड़ा संदेशा दे डाला। तो इससे यहाँ पे कहानी आपको UPSC के स्टूडेंट की तरीके से मैं कहानी इसलिए सुना रहा हूँ कि आप हारो जीतो इससे फर्क नहीं पड़ता। आप तैयारी कर रहे हो, आपका सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ, आपने मेहनत की नहीं हुआ कोई बात नहीं, हुआ तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो उदास नहीं होना। होना ना होना कोई बड़ी बात नहीं है। गीता में कहा गया है कर्म करो फल की चिंता मत करो, निस्वार्थ भाव से कर्म करना चाहिए और फल तो भगवान के हाथ में लिखा है। हो सकता है कि आपका ये UPSC में ना हो रहा हो या SSC में ना हुआ हो, या हो सकता है इस साल ना हुआ हो या किसी साल नहीं हुआ, हो सकता है भगवान चाह रहे हो कि आप टॉप करो या आप चाह रहे हो कि आप बहुत अच्छा करो या इससे भी बड़ी चीज़। दुनिया में कोई चीज़ छोटी नहीं है और कोई चीज़ इतनी बड़ी नहीं, उससे बड़ी कोई चीज़ बनी नहीं है। ध्यान रखिएगा, हर चीज़ का तोड़ है। अगर भगवान ने सर्प बनाया है तो सर्प को ख़त्म करने के लिए भी बाज बनाया है। अगर किसी चीज़ को बनाया है, जैसे एक बिच्छी को बनाया है, तो बिच्छी को मारने के लिए भी बनाया है। कि कोई चीज़ बड़ी भी बनाई है तो उसका काट भी भगवान ने बनाया है। तो आपके बारे में क्यों सोचेंगे।